हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जय मौत आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टॉपिक हमने लिया है समांतर श्रेणी से, जिसमें आपको प्रश्न दिया गया है, एक से हजार के बीच तीन से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्नों को करने का सबसे सरल तरीका है कि आप दी गई शर्त के अनुसार हमें कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं उनकी लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने के बाद आप इजी वे में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखें, वो आपसे कह रहा है एक से हजार के बीच तीन से भाज्य। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि एक से हजार के बीच जो तीन से भाज्य है, पहली संख्या क्या होगी? एक, उसके बाद दो और उसके बाद तीन। यानी एक से हजार के बीच जो पहली संख्या आपको मिलेगी वो मिलेगी तीन। मैं तरफ कार्य कर रहा हूं, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरी, तीन से भाज्य होनी चाहिए, यानी तीन का पहाड़ा आप लिख देंगे तो दूसरी संख्या छह मिलेगी, तीसरी संख्या नौ मिलेगी, बारह, पंद्रह और इसी प्रकार से आगे आपको संख्याएं मिलेंगी। अब वो लास्ट कहां तक कहता है? एक हजार तक। और एक हजार अगर तीन से भाज्य है तो आप एक हजार को ले लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ें तो कह रहा है एक से हजार के बीच, यानी ना तो आपको एक को काउंट करना है ना आपको एक हजार को काउंट करना है। तो एक हजार से पहले जो संख्या आती है क्या वो तीन से विभाज्य है? 1000 से पहले हमें मिलेगा 999 और ये तीन से विभाजित है। तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कि दी गई शर्त के अनुसार ये संख्याएं हमें मिलती हैं। अब इसमें भी वो एक कंडीशन और जोड़ रहा है कि जो संख्याएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो देखिए, दी गई शर्तानुसार, यानी जो कंडीशंस आपको दी गई हैं, इसके हिसाब से आपको जो समांतर श्रेणी मिलेगी वो क्या मिलेगी? देखिए, प्राप्त एपी। आप जानते हैं समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। अब एपी हमें क्या मिलेगी? पहली संख्या हम लेंगे तीन। क्यों लेंगे? क्योंकि एक से हजार के बीच में है, तीन से भाज्य है और विषम है, इसलिए पहली जो संख्या हमें मिलेगी वो मिलेगी तीन। दूसरी, इस छह को हम छोड़ देंगे, तीन से तो भाज्य है लेकिन विषम नहीं है, इसलिए इस छह को हम छोड़ देंगे तो दूसरी संख्या हमें मिलेगी नौ। इसी प्रकार तीसरी हमें मिलेगी पंद्रह और इसी तरह हमें जाना है 999 तक। इन प्रश्नों में सबसे पहले आप एपी प्राप्त कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस इजी हैं, जैसा वो कहता है वैसा आपको करना है। यहां हमें इस एपी से क्या क्या पता चल रहा है? एक तो पता चल रहा है ए, यानी प्रथम पद जो कि है तीन। एक हमें पता चल रहा है डी, डी सार्वंतर जो कितना आ रहा है? छह। एक अंतिम पद हमें पता है, यानी एनवा पद हमें पता है 999, और वो हमसे पूछना चाह रहा है एसएन। एसएन क्या होगा? इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा एन, और आप ये जानते हैं कि एन निकालने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, शायद आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप जस्ट पहले वाले वीडियोस जो हैं उनसे आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि n बराबर निकालने के लिए आपको अंतिम पद में से प्रथम पद माइनस करना है, d का डिवाइड लगाना है और कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा उसमें एक जोड़ना है। ये सूत्र और कहीं से ही नहीं, nवें पद के सूत्र से ही आपने प्राप्त किया था। मान रखते हैं an की जगह आपने रख दिया 999, माइनस a की जगह पर हो गया है तीन, डी आपको मिला है छह और लास्ट में ये कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में आप जोड़ेंगे एक, यानी ये हो गया है 996 बट्टे में छह प्लस में एक। आपने 996 में छह का डिवाइड लगाया तो आपको मिलेगा 166 और लास्ट में आप कितना जोड़ेंगे? उसमें एक जोड़ेंगे,
यानी n बराबर हमें मिल गया है 167। अब वो आपसे क्या पूछता है, वो पूछता है Sn। Sn का मतलब इन 167 पदों का योगफल वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको Sn का सूत्र लगाना होगा। देखिए क्या है Sn का सूत्र, अतः Sn बराबर n बटे में 2। और देखिए यहां हम Sn का फॉर्मूला काम में ले रहे हैं, जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों ज्ञात होते हैं तो आप इन शॉर्ट में फॉर्मूला काम में लेते हैं n बाई 2 a प्लस l। l क्या है यहां पर, अंतिम पद है, l यहां अंतिम पद कहलाता है, यानी an कह लीजिए चाहे l कह लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो अब हम यहां पर वैल्यूज रख देते हैं। n की वैल्यू आई है 167 बट्टे में है 2, a हमारे पास में है प्रथम पद 3, और जो nवा पद है वो है 999। अब हमें इसे केवल कैलकुलेशन करने पर आपको मिलेगा 167 बट्टे में 2, और इन दोनों को जोड़ने के बाद में 1002। दो का जब आप डिवाइड लगाएंगे 1002 में तो आपको मिलेंगे 501। अब हमें 167 को गुणा करना है 501 से, जो कि रफ कार्य है, आप खुद अपनी रफ कॉपी में करेंगे। आंसर हमारा आएगा 83,667। इस प्रकार आपने पता लगा लिया कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग कितना होता है, 83,667 होता है। ये लाइन आपको लिखनी भी है। यहां देखिए वो क्वेश्चन को कई तरह से चेंज कर सकता है, वो 1 से 1000 की जगह वो 100 से 300 पूछ सकता है, वो 3 से भाज्य की जगह 5 से भाज्य पूछ सकता है, 7 से भाज्य पूछ सकता है। तो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आप खुद अभ्यास करें। किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।